एक्चुअली आज का जो इवेंट है इट्स रियली रियली स्वीट ऑफ नितिन के एवरी ईयर पंचम दा का बर्थडे मनाने के लिए हम सब दोस्त इकट्ठे होते हैं एंड पंचम दा 77th बर्थडे और मुझे याद है मुझे इंडस्ट्री में चांस दिया था उत्तम सिंह जी ने गिटार बजाने का तो उनके साथ शुरू हुआ था गॉट ट्रेंड विद हिम एंड वो करते करते उसके बाद में एक दिमाग में था कि पंचम दा के लिए गिटार बजानी है ना पंचम दा के लिए काम करना एंड जिस दिन पहली बार कॉल आया कि पंचम दा के वहाँ से बुलाया गया कि गिटार बजानी है आई थिंक होश उड़ जाना क्या बोलते हैं उसको पहले एंड बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि पंचम दा के लास्ट फ्यू ईयर्स में मुझे उनके साथ बजाने का मौका मिला एंड क्योंकि डैडी भी उनके साथ बजाते थे एस डी बर्मन जी और पंचम दा के साथ तो हमेशा एज अ किड देखा था कि कैसे होती है रिकॉर्डिंग्स कैसे सबको देखना बजाते हुए भूपी जी खिड़सी जी डैडी साथ में तो हमेशा आई थिंक एक सपना ही बन गया था कि बस जिस दिन उनके साथ बैठ के कुछ बजाने को मिल गया तो लाइक नो एंड इट वाज सो नाइस टू लाइक नो एंड ही वाज सो एनकरेजिंग कभी बोलते थे अच्छा तो बेस भी बजाता है बेस भी कर इलेक्ट्रिक सब गिटार्स लेके आया कर लियो ऐसे एंड मुझे अभी तक याद है मेरा हमेशा एक फॉल्ट थी डिफॉल्ट कि हमेशा रिकॉर्डिंग में मैं स्ट्रिंग टूट जाती थी तो हमेशा मुझे याद है जब भी होता था तो उसके बाद में ना माइक ऑन करके बोलते थे राजू डब करना है तो बट देन यू सेड डोंट वरी इट्स गुड लक एंड इट्स ड्रीम कम ट्रू कि उनके साथ काम करने मिला एंड I have only heard and lived, grown up on that music. तो और आज उनके 77 बर्थडे पे आज हम लोग फिर भी उनके सब गाने उनके गाने ही ऐसे हैं कि कोई कितना भी कह दे कि नाउ लिख लो पीपल आर मेकिंग मनी और डूइंग शोज ऑन पंजाब आप एक एक आदमी वहाँ बैठे देखिए गाने जब बज रहे हैं तो वॉट देखो फ्रेंजी ना बिकॉज जस्ट टू गो थ्रू सॉन्ग वन आफ्टर कितना नुएंसेस है गाने में क्लासिकल से लेके वेस्टर्न से लेके वर्ल्ड म्यूजिक से लेके एंड आई डोंट थिंक एनी अदर म्यूजिक कंपोजर हैज़ इवन एक्सप्लोर्ड दैट मच दोज मेनी स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक एंड दैट्स वॉट हम लोग उनको खाली देखने और उनके सुनने से सीखने मिलता है एक्सपीरियंसिस में ऐसा होता था कि वेरी अवेयर अब जैसे अगर हम बैठे हैं कुछ बजा रहे हैं ऐसी होता ना कि रिहर्सल चल रही है कुछ बजा रहे हैं अब होता ना कि हाथ चल रहा है ना एक म्यूजिशियन की एक म्यूजिशियन को एक शराब भी है कभी भी इंस्ट्रूमेंट हाथ में होगा तो शांत नहीं बैठ सकता तो वो जब चल रहा था तो सडनली पंचम दा ये क्या बजाया एंड वाकई में वो म्यूजिशियन को पता नहीं होता था क्योंकि वो तो ऐसे नहीं वो तो करते करते वो हाँ ये एक सेकंड हाँ गाने में इंट्रो में मनोजी था इंट्रो में ये चार बार रखे तो ये सीखने मिलता था कि कुछ भी चल रहा हो लेकिन माइंड ओपन रखो ही इज़ ओपन टू एनी थिंग विच वॉज गुड फॉर अ सॉन्ग वैसा सो वो वैसी एक चीज़ थी दूसरा मतलब उनकी सेटिंग्स में देखो तो दिखता था कि कैसे और हमेशा बोलते ट्यून को ना बार बार गाते रहो जैसे मांझना बोलते ना शाइन और निकल गया था हमको पता लगता है कि कहाँ कहाँ कुछ ना कुछ दाग है कहाँ कहाँ कुछ कुछ स्क्रैच है तो मांझते रहो करते रहो आप जितनी बार गाओगे एक अलग चीज़ निकलेगी अलग सो दैट वॉज वन गुड लर्निंग फ्रॉम आपको अभी भी याद आते हैं और इतना मैजिक है पंचम दा के म्यूजिक को लगता है आज ही बनाया गया
मुझे तो सारे गाने अच्छे लगते हैं बट जैसे हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चली सॉरी मुझे वर्ड्स नहीं याद रहते बट मैं गुनगुनाऊंगा मासूम के गाने कितने गाने हैं लेकिन इट्स लाइक इट्स अ एनसाइक्लोपीडिया इंस्टीट्यूशन क्या वर्ड्स रखे बस कम है जो टाइम जोन में जो चल रहा होता मुझे लगता है कहीं ना कहीं द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज काइंड ऑफ वर्ड्स एंड ट्यून ट्यून एंड वर्ड्स जैसे पंचम दा गुलजार साहब पंचम दा जावेद साहब जब ऐसी चीज़ें कि मिलाप सही होता था ना तब जाके चीज़ बनती थी मुझे लगता है अब एक तो आई थिंक द मेन डिफरेंस पहले गाने बनते थे पिक्चर की स्टोरी के लिए सिचुएशन के लिए अब ऐसा होता है कि गाने अच्छे बना के रखे हुए हैं और ये पिक्चर में डालो ये पिक्चर में तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके बनाने का रूट ही सिर्फ अच्छा गाना बनाना था वॉज नॉट अबाउट कैरेक्टर्स आई थिंक आई मीन this is one of the reasons I can think वैसे but I think there are some people who do great job now also ऐसा नहीं है but the style of music style of arrangement style of वो सब चीज़ें change हो गई simplicity शायद उससे दूर चले गए तो वैसे मुझे अभी जैसे याद है मैं उस टाइम हम लोग रिकॉर्डिंग में तो पंचम दा मैंने वो पिक्चर देखी थी भूत बांगला तो मैंने पंचम दा अपने एक्टिंग की मैंने कल रात को देखी नहीं यार क्या यार मैं वो ले गया था मेरे को ज़बरदस्ती मेरे से करा दिया बोले नहीं डू वेरी गुड यार चल पागल है देन दैट देन इट्स हम एक चीज़ होता हम लोग उनके साथ शोज जाते थे साउथ अफ्रीका गए UK, USA वो एक चीज़ होती थी उनके साथ जाओ ना तो जैसी फ्लाइट उतरती थी ना ऑर्गेनाइजर्स रिसीव करने के लिए होते थे ही वुड वॉक आर्म मतलब ना कंधे पे हाथ रख के चले गए म्यूजिशंस के होता क्या था कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजर्स की होता था कि म्यूजिशंस को अलग ट्रीट करना बस सो ही वुड बैलेंस इट आउट कि लिसन यू नो तो पहले से होता था नहीं पंचम दा इज़ क्लोज टू दीज गाइज़ यू नो तो इट यूज़ टू बी अ रियली ही यूज़ टू रिस्पेक्ट म्यूजिशियनशिप म्यूजिक तो फ़र्क पड़ जाता था सर अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट बीन प्रेजेंट फॉर अ बर्थडे सच मे बी वंस बट एट मेरी लैंड एट खार उनके घर पर एंड आई थिंक मटन पकाना एंड ड्रिंक्स एंड यू नो हाँ खाने पीने का शौक एंड वेरी क्लोज नेट सर्कल एंड वैसे होता था हम लोग रिहर्सल्स के लिए बर्थडे का बस मुझे इतना ही याद है बट अदरवाइज मैं क्या मैं थोड़ा सा उस टाइम पे बिकॉज डैड सन तो मैं थोड़ा सा यंगर लॉट में था तो पॉसिबली ड्रिंकिंग के टाइम पे आई वॉज केप्ट सो दैट वे तो वैसा थैंक यू सो मच अमित थैंक यू वेरी मच हम चाहेंगे कि ये शाम आप अपने साथ लेके जाएं और डेफिनेटली आई थिंक थैंक यू टू नितिन फर्स्ट ऑफ ऑल टू डू दिस एंड गेट अस ऑल बैक टुगेदर लिसनिंग टू लाइव म्यूजिक फर्स्ट ऑफ लाइव म्यूजिक टू गेट इट बैक आई थिंक ग्रेट थैंक्स टू नितिन एंड ब्लेस हिम गॉड ब्लेस हिम थैंक यू थैंक यू चलो वर्ड्स नहीं याद रहते वही मैं डाटा डाटा करके आ रहा हूं आधी रात के बाद एक चोर निकलता है काली रात में
तो मुझे गाने याद कम लाइन गए और म्यूजिक इतना ज्यादा गाया और उधर मेरे लिए वो मुश्किल करता है सुरेश वाडकर जी मासूम दादा से बात कर लीजिए दादा बाइट्स ऑफ यूर्स।